बान चलाना बाकी है, तैयारी अपनी जारी रखना ये मुकाम बाकी है। साथियों, UPUMS का एग्ज़ाम का आगाज हो चुका है और साथियों इसका भी पैटर्न चेंज कर दिया है, उसके ऊपर भी हम आपको अपडेट देंगे। तो साथियों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों कल हम पार्ट फाइव लेके आए थे, आज पार्ट 6 लेके आए हैं फिर से। तो लाइव जुड़ जाइए सभी साथी और साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए अपने आंसर। तो कल हमने जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे, अभी तक आपने जवाब नहीं दिए हैं तो फटाफट से जवाब दीजिए। तो साथियों आज की जो क्लास है पार्ट 6 की है और UPUMS का एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। तो उसके ऊपर भी हमने अलग से अपडेट दे देंगे आपको वीडियो बना के। तो साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ भी, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो साथियों चलो चलते हैं आज की क्लास फिर से पार्ट 6 के साथ। तो साथियों हर 4:30 बजे हमारी ये लाइव क्लास चलती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने लायक है वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, हम आपके लिए ये क्वेश्चन है वो लेके आ रहे हैं इम्पोर्टेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ और उनको भी हेल्प करें, जिससे वो भी अपने सपनों की उड़ान भर सकें। तो साथियों कल जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था उसका आंसर साथियों मस्तिष्क मेरु द्रव्य द्वारा स्रावित होता है, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों कोरोडप्लेक्स। ठीक है साथियों, तो डी इसका आंसर होगा। तो फिर से पार्ट 6 की क्लास शुरू होने वाली है, साथियों जुड़ जाइए सभी साथी, जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथियों। तो चलो चलो करते हैं शुरू बिना समय गवाए, लिख बैठे बैठे क्या करे करो ना कुछ काम, शुरू करी आज की क्लास लेके हरि का नाम। तो नर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग एक विधि के रूप में करती है, ऑप्शन दे रखे हैं मरीजों और परिवारों के साथ संवाद करना, रोगी देखभाल की योजना बनाना, व्यवस्थित करना और वितरित करना, नर्सिंग में कानूनी आवश्यकताओं और मानकों को पूरा करना, नर्सों की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, रोगी देखभाल की योजना बनाना, व्यवस्थित करना और वितरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। तो साथियों कमेंट करके जाएं, साथ साथ आप कमेंट करके जाएं अपने आंसर, और हम वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं साथियों जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। साथियों देखभाल का स्तर जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बनाए रखने, सामुदायिक बीमारी की रोकथाम, सामान्य एपिसोडिक बीमारी के प्रबंधन और स्थिर या पुरानी स्थितियों की निगरानी की ओर उन्मुख है, ऑप्शन है उन्नत देखभाल स्तर, तृतीयक देखभाल स्तर, प्राथमिक देखभाल स्तर, माध्यमिक देखभाल स्तर। क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, प्राथमिक देखभाल स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य कोशिकाएं द्रव्य में निम्नलिखित को छोड़कर शामिल है, ऑप्शन है श्लेष द्रव्य, पेरिकार्डियल द्रव्य, फुफ्फुसीय द्रव्य, मस्तिष्क मेरु द्रव्य, अंतरालीय स्थानों में तरल पदार्थ, कोशिकाओं के भीतर का तरल पदार्थ, रक्त प्लाज्मा और लसिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएं साथ साथ, कोशिकाओं के भीतर का तरल पदार्थ। तो उत्तर इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, रूमेटियाइड गठिया में जो रूमेटोइड गठिया होता है उसमें तीव्र चरण के दौरान जो मान महत्वपूर्ण होते हैं वे हैं, ऑप्शन है LFT, उन्हें लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT करवाएंगे, CBC करवाएंगे, पूर्ण रक्त गणना CBC,
ESRO, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, CPR या रिनल फंक्शन टेस्ट, RFT। क्या करवाएंगे साथियों? जो गठिया रोग होता है उसमें क्या करेंगे? उसमें करेंगे साथियों ESR और सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। ठीक है साथियों, तो ESR करवाते हैं और CRP करवाते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। तो आंसर हो गया सी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सौम्य और घातक ट्यूमर के बीच एक विशिष्ट अंतःकारक नहीं है? साथियों पिछले ESI 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। कोशिका विभेदन, ट्यूमर का आकार, विकास दर, अन कैप्सुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, ट्यूमर का आकार। तो राइट आंसर हो गया बी। ठीक है साथियों, जो गहरा डार्क है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास के प्रत्येक चक्कर के दौरान फेफड़ों के अंदर और बाहर जाने वाली हवा की मात्रा को कहा जाता है? अवशिष्ट मात्रा, जवारीय मात्रा, फेफड़ों की कुल क्षमता, महत्वपूर्ण क्षमता। क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर होगा बी, जवारीय मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, मिथ्याश्रम अभिव्यक्तियां इस प्रकार है, एक के अलावा। तो साथियों तीन सही आंसर है और एक इसमें रोग आंसर, सॉरी गलत आंसर है। पेट में परेशानी, संकुचन अनियमित होते हैं, गर्भाशय ग्रीवा धीरे धीरे लुप्त हो गई और फैल गई, गतिविधि या आराम में संकुचन कम हो जाता है। क्या होगा राइट आंसर? जो इसका राइट आंसर होगा सी, गर्भाशय ग्रीवा धीरे धीरे लुप्त हो गई और फैल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, टेम्पोरल हड्डी में चेहरे की तंत्रिका के पीड़न से होगा, मेनिंगो सेल, गुइलेन बेरी सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बेल का पक्षाघात। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएं साथियों साथ साथ। तो राइट आंसर होगा डी, बेल का पक्षाघात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, यूनिट में बिस्तर तेजी से भरे गए हैं और बैक्टीरियल निमोनिया से पीड़ित रोगी को रूममेट मिलने वाला है, रूममेट सर्जरी के बाद बिना किसी संक्रमण वाले रोगी है या नर्स ऐसा करेगी? तो साथियों नर्सिंग प्रोसेस है, नर्सिंग का रोल पूछा इसमें आपको, तो क्या रोल होगा नर्सिंग का इसमें साथियों? बताइए जल्दी से क्या रोल होगा नर्सिंग का? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, चिंता करने कोई बात नहीं है क्योंकि इस प्रकार की, इस कमरे की अपनी वायु निस्पंदन प्रणाली है, बस नए रोगी के आगमन के लिए इक्का तैयार करें, सुनिश्चित करें कि नए रोगी के बिस्तर के चारों ओर के पर्दे काम कर रहे हो, पूरी तरह लगे हो, भर्ती कार्यालय को सूचित करें कि नए रोगी को ड्रॉपलेट नमूने से पीड़ित रोगी के साथ नहीं रखा जा सकता। तो साथियों आपको बताया कि अगर नमूने से ग्रसित पेशेंट है, रोगी है, तो उसको ड्रॉपलेट तो नए रोगी के साथ है वो रखा नहीं जाता है, और उस इन्फॉर्म करेंगे ऑफिस में कि नमूने से ग्रसित रोगी आया है तो उसको अलग रखा जाता है। तो राइट आंसर हो गया डी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, कार्डियोजेनिक शॉक द्वारा उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया या रीढ़ की हड्डी में चोट, रोध, गलन, गंभीर एलर्जी। तो राइट आंसर सी, रोध, गलन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, अचलासिस के रोगियों में देखा जाने वाला मुख्य लक्षण और लक्षण हैं, उच्च रक्तचाप, डिस्पेगेसिया, तितली दाने, जोड़ों का दर्द। राइट आंसर होगा डिस्पेगेसिया, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने,
शिला टरिका के भीतर के ट्यूमर और पिट्यूटरी ग्रंथि के छोटे एडेनोमा को इसके माध्यम से हटाया जा सकता है। इंफ्रा टेटोरियल दृष्टिकोण, सुप्रा टेटोरियल दृष्टिकोण, ट्रांस स्पेनोइडल दृष्टिकोण, क्रेनिएक्टोमी। तो राइट आंसर होगा ट्रांस स्पेनोइडल दृष्टिकोण। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। संक्रमण की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए एक जलाशय हो सकता है लाइम रोग फैलाने वाला टीका, दूषित जल आपूर्ति स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, एक असंक्रमित रोगी। तो राइट आंसर क्या होगा? दूषित जल आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ वो रीढ़ की हड्डी के तत्वों से भरा हुआ बोरी जैसा उभरा हुआ घाव है, स्पाइनल बिफिडा ओकुलेटा, हाइड्रोसिफलिस, मायोलोमेनिलो गोलेस, मेनिंगो सेल। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। गर्भकालीन मधुमेह निम्नलिखित के लिए जोखिम बढ़ता है के अलावा, इसमें एक के अलावा मतलब बाकी तीन सही है, एक रोंग है। तृतीय भ्रूण के लिए छोटा, मैक्रोसोमिया, समय से पहले जन्म और मर्त, जन्म जन्मजात विसंज्ञा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, तृतीय भ्रूण के लिए छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक रोकथाम है अच्छा रहने और काम करने की स्थिति, बीमारी का शीघ्र पता लगाना और शीघ्र उपचार, पोषण संबंधी परामर्श, सुरक्षित जल आपूर्ति, वेक्टर और पशु आरक्षण नियंत्रण। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, बीमारी का शीघ्र पता लगाना और उसका निदान है वो शीघ्र उपचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्षीय बच्चे के शारीरिक विकास का आकलन करते समय आपको यह असामान्य लगेगा, यदि वह है रबड़ की बड़ी गेंद पकड़ सकता था, एक बार में एक सीढ़ी ऊपर जाने की जरूरत है, एक पैर पर कुछ बार ठंडी छलांग लगाना, 6 ब्लॉक का ढेर लगा सकता है। तो आंसर होगा बी, एक बार में एक सीढ़ी ऊपर जाने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के अतिरिक्त सर्जरी चिकित्सा और एनेस्थीसिया के विपरीत प्रभाव का वर्णन है, के अलावा सर्जरी और एनेस्थीसिया के संभावित प्रतिकूल का प्रभाव इस प्रकार है। ऑप्शन है निर्जलीकरण इलेक्ट्रोलाइट्स, निर्जलीकरण इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, अर्ध पेशी अवसाद, मंदनाड़ी, परिसंचरणपात, दुर्दम्भ अतिपात, अल्पपात, रक्त वाहिकाओं के ब्लॉक या स्थिरता से घनार्थ। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है वो कमेंट में जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी को दर्द की शिकायत होती है और फोड़ की जगह सूजन के साथ लालिमा होती है, नर्स को चाहिए आईवी की जगह पर सूजन, तो क्या करेंगे? साथियों, आपको इसमें जब आप किसी पेशेंट को आईवी फ्लूड देते हैं और उसमें सूजन आ जाती है, लालिमा आ जाती है और पेशेंट दर्द की शिकायत करता है, तो उसमें आपका क्या रोल होगा? इन्फ्यूजन बंद करके और आईवी कैनुला हटा दें, आईवी ट्यूबिंग और समाधान बदलें, लाल हुए क्षेत्र पर गरम नम पेक लगाएं, नाक से ऑक्सीजन देना शुरू करें। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 ईएसआई में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने बताना, नहीं तो हम कल की क्लास में आपके साथ शेयर करेंगे। फाइनल एंड अंतिम क्वेश्चन साथियों, चयापचय की जन्मजात त्रुटियां निम्नलिखित सिवाय है, सिवाय मतलब साथियों एक को छोड़कर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टर्नर सिंड्रोम, फेनिनल केटोनोरिया, टी सेक्स रोग। क्या आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर होगा बी, टर्नर सिंड्रोम। तो साथियों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज।
4:30 बजे की क्लास में, तो सभी साथी 4:30 बजे जुड़ जाएं, क्योंकि हम हर रोज 4:30 बजे अपने चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आ रहे हैं, परीक्षा संबंधित, एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी जोड़ें। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वास्थ्य विभाग जुड़ी हर बढ़ते हर इन्फॉर्मेशन के लिए हम हमेशा तत्पर है। तो साथियों, मिलते हैं ऐसी और नई अपडेट के साथ फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।